हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज के साथ आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी बीपीटीयू वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 100 मार्क्स का पेपर। तो ये हमारे 100 मार्क्स के पेपर की पार्ट 16 सीरीज है। इससे पहले हमने 15 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम अनअकैडमी भी जुड़ चुके हैं, तो आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, यहाँ पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हमें हमारे पेज को लाइक कर दें, ताकि आपको उत्तराखंड से रिलेटेड नए नए क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे यमक अलंकार है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, व्यालंकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो यमक अलंकार है ये किस में आता है? तो ये आता है शब्दा अलंकार में। तो देखिए दोस्तों, जो अलंकार होता है, अलंकार का अर्थ है आभूषण। और अलंकार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जो शब्दालंकार है इसी के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, विभुक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार की बात करें तो इसी के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, संदेह, दीपक अलंकार, विभावना अलंकार, ये सब अर्थालंकार के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे पूछा था यमक अलंकार, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न पंक्ति में छंद है, श्री गुरुचरण सरोज रजन निजमूल मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल येसु दो जो दायक फल चार। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तो अगर आप देखें इसमें, तो इसमें जो होता है ये दोहा है। अब देखिए, जो दोहा होता है वो मात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक जो प्रथम चरण है और प्रथम चरण जो तृतीय चरण होता है, यानी ये वाला प्रथम चरण यहाँ से यहाँ तक, और जो तृतीय चरण है ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये प्रथम चरण, ये हो गया द्वितीय चरण, ये हो गया तृतीय, और ये वाला हो गया चतुर्थ चरण। तो जो ये प्रथम चरण है और जो ये तृतीय चरण है, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि अगर हम बात करें द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में, तो इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो गिन के देख लीजिए, जैसे श्री है तो यहाँ पे इसमें दो मात्रा, और गुरु में एक, रू में, गु में एक, और रू में एक, और चरण में तीन हो गई, सरोज में, स में एक, दो, रो में दो मात्रा, और ज में एक मात्रा, र में एक मात्रा, ज में, तो इस प्रकार से अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे 13 मात्राएं होती हैं। वहीं निज में एक, नी में एक, ज में एक, म में एक, न में एक, मुँह में एक, कु में एक, और र में एक। तो इस प्रकार से अगर आप इसको काउंट करते हैं तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं, जबकि इसमें 11। तो जहाँ पर भी 13-13 मात्राएं और 11-11 आती हैं, तो वहाँ पे दोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चौपाई है। तो चौपाई क्या है? तो जो चौपाई है वो क्या है? तो चौपाई जो है वो एक सममात्रिक छंद है। अब देखिए दोस्तों, जो चौपाई है वो सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए सममात्रिक कहते हैं, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे बंदव गुरुपद पदम परागा, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये चौपाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नायक में कौन सी संधि है? तो जो नायक में नायक है, इसमें कौन संधि होगी? तो इसमें अयाति संधि। देखिए दोस्तों, हमने संधि कराई थी तो हमने बताया था, वहाँ पे कुछ ट्रिक बताए थे कि जो गुण संधि है उसमें अगर एक मात्रा आती है तो वहाँ पर, अगर ऊपर एक मात्रा आए तो वहाँ पर गुण संधि, वृद्धि में दो मात्राएँ आती हैं ऊपर, और यण में आधा अक्षर आता है, और अयाति में कोई भी ऊपर कोई भी अक्षर या आधा अक्षर नहीं आता है, तो वहाँ पे अयाति होती है। जैसे नायक है, तो नायक में अगर आप देखिए कोई मात्रा भी नहीं है और ना ही आधा अक्षर है, तो वो क्या होती है? वो अयाति संधि होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस समास में प्रथम पद गौण व द्वितीय पद प्रधान होता है? तो कौन सा समास है वो? तो वो है तत्पुरुष समास। और देखिए दोस्तों, जो तत्पुरुष समास है, इसमें ये भी कह सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जा चुका है, वो है तुलसी, तुलसीदास कृत, यानी तुलसी के द्वारा रचित। तो देखिए, इसके साथ साथ जो तत्पुरुष समास है, इसमें जो कारक चिन्ह है उनका प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो जो क्रिया का जो मूल है, वो मूल रूप है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धातु। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे अविकारी शब्द होता है, तो जो अविकारी जो शब्द है, इसमें से कौन सा संज्ञा सर्वनाम अव्यय विशेषण? तो इसमें जो अव्यय है
ये अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या कहेंगे, तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, जिसकी गर्दन सुंदर है, तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक वाक्य जो आता है वो आता है सुग्रीव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, शुद्ध वाक्य चुनिए, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, इसमें कौन सा वाला सही होगा? तो जो इसमें सी ऑप्शन है ये सही है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद में भेद को व्यक्त करता है, तो किससे व्यक्त करता है, तो ये करता है गुण संधि को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जो उत्तर है इसका होगा प्रति प्लस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास होगा, तो द्वंद। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी अगर अपोजिट आता है जैसे भाई बहन, दिन रात, माता पिता, तो इस प्रकार के जो समास होते हैं वो द्वंद समास कहलाते हैं। वहीं अगर हम द्विगु की बात करें, क्योंकि ज़्यादा का जो कन्फ्यूजन होता है वो द्वंद और द्विगु में होता है, तो जो द्विगु है वहाँ पे संख्यावाची होता है, जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, तो इस प्रकार के जहाँ पे भी पहले अगर संख्यावाची आएँ तो वहाँ पे द्विगु होता है, और जहाँ पर अपोजिट आएँ तो वहाँ पर द्वंद होता है। और जो द्वंद होता है उसका योजक चिन्ह होता है, जैसे भाई और बहन, भाई या बहन, ठीक है, तो इस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो आपको योग रूढ़ शब्द बताना है, तो इसमें योग रूढ़ कौन सा होगा, तो इसमें योग रूढ़ है जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, तो कौन सा कारक में है, तो ये है अधिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से तत्सम शब्द है, तो तत्सम कौन सा है इसमें, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो तत्सम है वो गौ जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा, तो हर्ष का जो विलोम होगा वो होगा विषाद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद बताया गया कौन सा सही है, मई प्लस इंद्र, महेंद्र भी सही है, नदी प्लस नदीश, ठीक है, और बहु प्लस मधु प्लस उत्सव, तो मधु उत्सव ये भी ठीक है, यानी इनके जो डी ऑप्शन है ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस शब्द में कर्मधारय समास है, तो अगर यहाँ पे बात करें महापुरुष में, तो महापुरुष में कर्मधारय है। देखिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे पंचवटी की बात करें, तो पंचवटी में आपका द्विगु समास हो गया, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची आया है, पंचवटी प्रतिदिन में अव्यय भाव हो गया, जहाँ पे यथावा का प्रति आता है तो वहाँ पे अव्यय भाव होता है, वहीं अगर पाप पुण्य की बात करें तो इसमें हो गया आपका द्वंद समास। तो इस प्रकार से जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदगुरु का संधि विच्छेद होगा सत प्लस गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सो प्लस उक्ति। नेक्स्ट यहाँ पे, मतदाता शब्द में कौन सा समास है, तो मतदाता शब्द में कौन सा समास होगा, तो ये होगा संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट यहाँ पे, नदी शब्द का बहुवचन होगा, तो नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित अर्थालंकार नहीं है, तो किस में नहीं है, अभी हमने आपको बताया था, तो जो यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर जो बी ऑप्शन है श्लेष, ये अर्थालंकार नहीं है, क्योंकि ये किस में आता है, ये शब्दालंकार में आता है, और जो ये अतिशयोक्ति है, उपमा हो गया, रूपक हो गया, ये अर्थालंकार में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो श्लेष है वो किस में आता है, वो शब्दालंकार में आता है, अभी हमने बताया था, पीछे भी जो क्वेश्चन आया था उसमें यमक पूछा गया था, तो यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, विपसा, ये सब के सब श्लेष अलंकार, ये सब के सब शब्दालंकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फूल हंसे कली मुस्कुराए में कौन सा अलंकार है, तो फूल हंसे कली मुस्कुराए में कौन सा समास है, तो यह है कौन सा अलंकार है, तो यह है मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार पेट्रोल से चलती है में कौन सा कारक है, तो कार पेट्रोल से चलती है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें होगा करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो देखिए दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो ये हैं सरहप्पा।
तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो सिद्ध सरप्पा हैं और ये 9वीं सदी के कवि हैं। इसके साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी चाहिए कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पूछता है तो वो है पृथ्वी रासो चंद्र बरसाई। ठीक है, पृथ्वी रासो चंद्र बरदाई, यह है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो महाकाव्य पूछता है तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अशोक के फूल किसकी रचना है, तो जो अशोक के फूल है वो किसकी रचना है तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और देखिए दोस्तों, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त 1907 को हुआ था, छपरा जो कि बिहार में पड़ता है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1979 को दिल्ली में हुई थी। और ये जो कवि हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के कवि हैं, कभी छायावादी आता है और आधुनिक आता है, रीति काल आता है, तो किसके हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं। और इनकी जो निबंध संग्रह है इसमें जो अशोक के फूल हैं ये इन्होंने 1948 में लिखी थी। इसके अलावा इनकी कूटज, विचार प्रभाव इनकी हैं, और इनका एक उपन्यास, इनके कई उपन्यास भी हैं जिसमें से वाणभट्ट की आत्मकथा काफ़ी फेमस है। और इनको 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि हैं वो किसे कहा जाता था, वो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। अब देखिए दोस्तों, जो सुमित्रानंदन पंत हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के जो कोसानी गांव है यहाँ पे हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1977 को। और देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि कई बार पूछ लेता है कि सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है गोसाई दत्त। और देखिए दोस्तों, के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनको जो चिदंबरा है इनकी रचना, इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और इसके साथ साथ इनको पद्म विभूषण से, और साथ ही इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पर रथ का पर्यायवाची क्या है, तो जो रथ है, रथ का पर्यायवाची होता है दांत। ठीक है, इसके अलावा रथ का पर्यायवाची दांत, दंत, दसन, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेदमी की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई, तो ये किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई 1988 में। और देखिए फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको दो तीन क्वेश्चन और याद रखना है कि जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है जो कि मसूरी में है, उसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में मसूरी में की गई। वहीं अगर हम उत्तराखंड संस्कृत अकेदमी की बात करें तो 2005 में हरिद्वार में की गई। और वहीं IMA की बात करें, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में देहरादून में की गई। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको भी नोट कर लें इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विधि का मतलब होता है क्या है, तो जो राजकीय विधि कॉलेज है वो कहते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो जो उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है वो कहाँ पर है, तो वो है गोपेश्वर में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि जो गोपेश्वर है वो चमोली में पड़ता है, और जो चमोली की स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, जो क्या हुआ था कि 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में भारी बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने की वजह से जो चमोली ज़िला है वो बह गया था। तो इस वजह से 1970 के बाद चमोली ज़िले का जो मुख्यालय है उसको 10-12 किलोमीटर थोड़ा ऊपर की ओर गोपेश्वर है, यहाँ पर शिफ्ट किया गया। तो चमोली का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गोपेश्वर में, और यहीं पर है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर राज्य का कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है ये हल्द्वानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बैठाण विवाह की जनजाति में होता है, तो जो बैठाण विवाह है ये बुक्सा जनजाति में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पनपतिया ग्लेशियर की जनपद में स्थित है, तो ये किस जनपद में है, तो ये है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणासुर का किला किस स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाणासुर का किला है ये चंपावत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में उत्तराखंड में निर्वाचित विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये हैं निर्वाचित 70, और वैसे अगर बात करें तो एक मनोनीत है इसमें, तो 70+1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे धनुष तीर्थ
किसका प्राचीन नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो जो धनुष तीर्थ है वो किसका प्राचीन नाम है, तो वो है टिहरी का। किसका नाम है? टिहरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे बाजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो बाजपुर है ये धूमा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे खुरपा ताल की जनपद में है, तो जो खुरपा ताल है वो नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे किसका नाम छह खाता भी था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नए मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो जो छह खाता किसका नाम है प्राचीन नाम, तो ये है नैनीताल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे लंका पुल और भैरव घाटी किस स्थान पर है, तो जो लंका पुल है और जो भैरव घाटी है वो किस स्थान पर है, तो वो है आपके गंगोत्री के पास, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस चंद शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, तो कौन सा वो था, तो वो था ज्ञानचंद, जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाटा घाटा कांड किस वर्ष हुआ था, तो जो बाटा घाटा कांड है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पौड़ी में श्रीयंत्र टापू की घटना किस वर्ष हुई, जिसमें अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में, 1995 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बद्री का स्थानीय नाम नौठा भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, किस बद्री का स्थानीय नाम नौठा भी है, तो ये किसका है, तो ये है आदि बद्री का। आदि बद्री का वो जो स्थानीय लोग में वहाँ पे जो भाषा में बोलते हैं नौठा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जो मांडू सिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो अल्पसंख्यक जो आयोग है इसका जो गठन किया गया था 2004 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में किस फसल की रुपाई में मनाया जाता है, तो जो हिल यात्रा जो है उत्सव जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, तो वो किसके लिए मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है जब धान की रुपाई करा जाता है तब ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसका प्राचीन नाम सौम्यकाशी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम सौम्यकाशी और बाड़ा हाट है। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि पहले उत्तरकाशी का नाम बाड़ा हाट ही था, लेकिन जब 1803 ईस्वी में बहुत भयंकर भूकंप आया तो पूरा का पूरा बाड़ा हाट बह गया था। अब जब बाड़ा हाट पूरा बह गया तब नया वहाँ पे जो नया शहर बसाया गया उसका नाम रखा गया उत्तरकाशी। तो आपको याद होना चाहिए कि इसको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा, तो ये इसकी प्राचीन घटना थी जिससे बाड़ाहाट का नाम चेंज करके फिर से उत्तरकाशी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे श्रीराम शर्मा द्वारा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कब की गई थी, तो ये की गई थी 1971 में, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे ब्यास घाटी कहाँ है, तो जो ब्यास घाटी है ये टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो काली की अंतिम जो सहायक नदी है वो है लोधिया या लधिया जिसको कहते हैं, ये है अंतिम सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य का प्रथम अखबार कौन सा है, तो राज्य का जो प्रथम अखबार है वो है द हिल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वानिकी एवं जो बागवानी विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है रानी चौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है, तो जो तुंगभद्रा है वो कहाँ करती है, तो वो विजयनगर का भरण पोषण करती है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित प्रचलित था, तो किसके काल में था, तो ये था दक्षिण भारत में था, ठीक है, जो रैयतवाड़ी जो भू राजस्व है यहाँ पे प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे बारह मिहिर की पंच सिद्धांतिक का किस ज्योतिर्विधा पर आधारित थी, तो ये थी यूनानी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी।
हुमायूं के मकबरे के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हामिदा बानो बेगम को। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, इन्होंने जो सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी 1910 ईस्वी में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 17 बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया कर दिया था? तो जो यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी हैं, इन्होंने खलीफा घोषित किया था अपने आप को। नेक्स्ट यहाँ पे, सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और कहाँ पे अधिवेशन रखी गई थी? ठीक है, तो ये रखा गया था फैजपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे नहीं था पूछा गया था, वो है जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो किसने अपनाया, तो ये अपनाया था सबसे पहले कनाडा ने। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो किस में है, तो ये है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत की संधि व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो संघी व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है संसद के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा किया गया था, तो ये 44वां किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो यह है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो जो दास कैपिटल है ये कार्ल मार्क्स की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बुध शुक्र का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 88 दिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और उसका जो दैनिक तापांतर होता है ये भी सबसे अधिक होता है, मतलब यहाँ पे जो दिन है वो काफ़ी गर्म और रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के सबसे दूर स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो जो नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों से ही सबसे दूर है। नेक्स्ट यहाँ पे, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो कितनी मापी गई है, तो ये मापी गई है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्तमान में जूट उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट यहाँ पे, विश्व की में मक्का की मंडी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मक्का की मंडी के नाम से कौन सा है, तो ये दिया गया यहाँ पे साओ पालो। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे सेंट लुइस, तो यही इसका आंसर सही है, सेंट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सीमित नहीं है? तो यहाँ पर जो रावत भाटा दिया गया है महाराष्ट्र, ये सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे, मंगला नामक तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मंगला नामक जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं, तो ये जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है केरल में। नेक्स्ट यहाँ पे, ऑल इंडिया रेडियो का नाम किस
किस संहिता नंदन पंत के सुझाव पर किस वर्ष आकाशवाणी कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले जो रेडियो है जिसका आकाशवाणी कहते हैं इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो था, लेकिन संहिता नंदन पंत ने सुझाव दिया उसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट है भारत में डाक सेवा में द्रुतगामी डाक सेवा स्पीड पोस्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी और साथ में आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पोस्ट का यूज किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है, तो जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है पे सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी, तो सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1946 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पे राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं, तो जो एडवर्ड जेनर हैं वो चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। अब देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के हैं, तो इनके आंसर या क्वेश्चन यहाँ पर मैं इनके आंसर बता देता हूँ, आप देख लें इसे और इसको सॉल्व कर लें। मैं आंसर बता देता हूँ इनके, तो जो 91 है इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 20%। नेक्स्ट यहाँ पे जो 92 है इसका जो आंसर निकलेगा आपका वो निकलेगा फिरोज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 93 इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे 94 इसका जो अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा डी। नेक्स्ट यहाँ पे 95 और इसका जो आंसर आप निकलेगा आपका वो निकलेगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे 96 और इसका जो आंसर है वो है बी, 800 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पे 97 और इसका जो अगर आप सॉल्व करते हैं इसका आंसर निकलेगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे 98 इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 12, यानी बी ऑप्शन। और 99 का है बी, और 100 का अगर आप करते हैं तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने अपनी जो पार्ट 16 थी इसको भी कम्प्लीट कर लिया। आगे भी हम पेपर डालते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।